काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। लाइक शो की बात करो यहाँ कर, किस किस बात का गुस्सा निकालने आए थे आप लोग यहाँ पे आज? आई थिंक लक्ष शोभिका और सचिन मेरे लिए आए हैं क्योंकि मैंने शो पे उनको बहुत तंग किया। तो आई थिंक इन लोग झूठ बोल रहे कि और किसी किसी का नाम ले रहे, बट आई थिंक ये और उस पे उन्हें सिर्फ तनुज का नाम और तनुज का चेहरा नजर आता है। Guys? नहीं नहीं definitely यार मेरी बातों से that's very very untrue. I don't think anyone's been mad at Tanuj sir. I think he was the best host and we had a blast with him, which is why if you remember in the first episode I used my I think very, very this one was for the season. Yes you did. ये सीजन इतना टॉक्सिक रहा है ना, तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं पूरी दुनिया को तोड़ देना चाहिए इस हिसाब से हमारा सीजन है। एक्चुअली आपको सबको बुलाना चाहिए, अकेले बुलाना चाहिए, यू शुड पुट अ कैमरा देयर एंड सी व्हाट दे से। और बस अगर सारे कंटेस्टेंट्स आ जाते तो हमें बॉटल्स की जरूरत ना पड़ती। लक्ष्य इज एनीवन इन पर्टिकुलर दैट यू आर रेफरिंग टू? नहीं नहीं नो, कोई तो होगा ना, बोल सकता है ना, मैं बोल दूंगा फिर लोग डरता है। तो यही प्रॉब्लम है बस, तू शो में भी डरता था यहाँ पे भी डर रहा है, बोल दे भाई क्या हो गया। अगर मैं शो में डरता तो कुछ बात और होती भाई, अगर डरा नहीं इसलिए वहां पे था। तो सही है। तो एक नाम, एक साथ आप चारों एक नाम बताओ जिसके आपको भी आया होगा कुछ लोग, तो आपको भी मैं होस्ट और दोस्त हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ? राजा सर वो फोन तोड़ देगा क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा। यस एग्जैक्टली। और सचिन बुरा मत मानियो, बट मुझे लक्ष्य पे आया ये बात सुनने नहीं, ऐसा नहीं है, बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उस पे बनता भी थोड़ा, क्योंकि यार वो इरिटेटिंग थी और काफी ज्यादा ओवर कर दिया। और मैं ना सच बता रहा हूँ, जब हम लोग सीजन कर रहे थे थ्रू आउट, मैं हर्ष को देखता था एंड मैं उससे बोलता था भाई तू तो बहुत बेवकूफ लगने वाला है ऑन टेलीविजन, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली। हाँ मतलब क्योंकि लोग भी बोल रहे हैं अभी, और उसको देख देख के ऐसे लगता है अभी टेलीविजन पे बस यार सब दिखाओ, ये दो लोगों को मत दिखाओ, एक का मैं नाम नहीं। शोभिका बोला तो नहीं मान गए भाई? नहीं शोभिका, शोभिका आई एम रियली सॉरी, आई विल टेल यू समथिंग भाई। मैं आप लोगों को जानना चाहूंगा, ऐसा एक कौन सा यहां पे कंटेस्टेंट होता अगर वो यहां होता तो एक भी बॉटल नहीं बचती, अगर वो यहां उसको बुलाते? मैं सबके लिए बात कर सकता हूं, शिवित मेल में शिवित और फीमेल में आकृति, इट इज जस्ट माय ओपिनियन, आई लाइक एवरीवन। आई थिंक कशिश भी तोड़ती काफी बॉटल्स, दे बोथ आर नॉट बैड, कशिश तो मुंह से बॉटल्स तोड़ती है। आई एग्री विद यू, शी वुड सिंग ओवर एंड ब्रेक द बॉटल, नो वन इज इंपॉर्टेंट आई सेड। बट जैसे ही बात होती है ना रेखा की, चेहरे के इसके चेहरे पर लक्ष्य के अलग ही स्माइल किया जाता है भाई, मेरे अंदर मेरे को आकृति के नाम पे भी अंदर है ना कुछ, आकृति के नाम पे भी आती है भाई। हैप्पी है? हाँ मतलब ठीक है, ले आए वापस, गुड है। कपड़े तो अच्छे पहन गए, कपड़े मतलब पर्पल बन गया, शॉकिंग भी था और पिंक भी था। अच्छा है, मतलब देखो देयर इज नथिंग टू लूज, अगर आपको लगता है कि कोई कंटेस्टेंट इंपॉर्टेंट है, शो का पार्ट है और शो को कुछ कर सकता है शो पर आके, सो डेफिनेटली इट्स गुड। अगर आप नहीं किया तो वो बात फिर अलग है ना। आई मीन आई थिंक इट डेफिनेटली एडेड अ लिटिल स्पाइस टू लक्ष्य'स लाइफ एंड दे नीडेड दैट, ही वाज मिसिंग इट। एग्जैक्टली बोलूं तो मेरे को भी फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय पे, कि मेरे को बस एक पॉइंट था कि हाँ वो आया है तो अभी मैं आइडल मैच हूं, चीजें चेंज होने वाली है, बाकी आ गया तो ठीक है भाई, पहले भी वही किया और अभी वही कर रहा है तो डजंट मेक सेंस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब एज इन शो खेल रहा था, गेम के लिए आया था, आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस। सचिन एंड शोभिका लाइक नो फ्रॉम योर साइड, लाइक यू आर द ओनली टू ईगोस इन द स्प्लिट्स विल, आज इनको कोई एक कपल से वो बॉन्ड नहीं बना, लाइक यू गाइस? नहीं मेरे तो बहुत सारे बने, अरे इसके तो बहुत सारे बनते हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर तनुज भाई ने बोला तेरा आउटर तो हर जगह फैला हुआ है, तो अभी वो तो है फॉर द एंटायर शो, मतलब देयर वर नॉट मेनी कपल्स इन गोइंग अराउंड, तो क्या शो के बाहर यू गाइस आर देयर ना, साथ ही साथ फैंस की भी बहुत एक जो क्वेरीज थी उनके साइड से, लाइक देयर लाइक यू गाइस वेंट सो अर्ली, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सचिन के बारे में कि यार ये टेस्ट मैच नहीं है, इसको T20 खेलने में मजा आता है। अभी आगे का बोल दे। नहीं आई थिंक डेफिनेटली मैं जब डंप हुआ था जिस दिन, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि यार इतना जल्दी एलिमिनेशन हो जाएगा, बिकॉज मैंने डे वन से बोला था आई एम इन इट टू विन इट, मैं जीतने के लिए आया था और आई वॉज हेयर फॉर द गेम, आई वॉज हेयर फॉर माई सेल्फ, तो डेफिनेटली खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतना टाइम टास्क परफॉर्म करके जीत के, आई थिंक जितने भी टास्क परफॉर्म किए हैं सब में दिल से परफॉर्म किया और सारे टास्क ऑलमोस्ट जीता हूँ, सो यू नो व्हेन यू आर क्लोज टू फिनाले और जब बोलते हैं ना ट्रॉफी के करीब होते हो और वो चीज़ें आपके हाथ से छिन जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं उन लोगों ने इतने मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे लोग रोए उस दिन, तो आई थिंक विनिंग और लूजिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने लोगों के दिल जीत लिए काफ़ी। आई फील यस
So no, I didn't make a long-standing connection in the show. I mean, I tried, but it didn't really happen. Sachin, jitne connection to nahi bana paayi main, but next time I'll try ki itne connection ban jaye. नहीं नहीं बहुत problem होती है शोभिका. Next time भी try करने वाली है. अरे तेरे को देखो सैटरडे संडे ऑन जियो सिनेमा MTV 7 PM. बट ये ऐसा नहीं कि अगर भाई नहीं होता तो मैं खुद को देखना नहीं चाहता जीत. यार देख मैं ऐसा नहीं बोलता, खुद को देखना चाहता नहीं चाहता, वो तो मैं जीतेगा तो अपना नाम क्यों लूं. उसको देखना चाहता हूँ, दिग्विजय था वो नहीं जीत पाया, मैं जीत गया, बट स्टिल मैं देखना चाहता था दिग्विजय जीते. बट ऑनेस्टली आई फील मैं जब डंपिंग करके निकला था, जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, बिकॉज क्या होता है ना जब आप शो पर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर होती हैं, बहुत पर्सनल लाइफ बाहर आ गई, बहुत कुछ हो गया. मैं डेफिनेटली जो बोलकर गया था वो शायद हो जाए तो अच्छी बात है, बट रेस्ट सब लोग बोलते हैं भाईचारा भाईचारा, हम बोलते नहीं हैं, हम लोग रखते हैं हमेशा. तो दिग्विजय डेफिनेटली यस राजा. और उसकी राजकुमार आई थिंक द बेस्ट वन. इजी आंसर फॉर मी, आई थिंक हर्ष एंड रोशाली शुड विन. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच.